शाम ढलने से पहले मंदिर से घर नहीं पहुंच सकती थी? अगर मैं नहीं आता तो क्या करती हैं? माफ कर दीजिए, मैंने एक मन्नत मांगी थी और बारिश भी होने लगी इसलिए देर हो गई। तुम्हारा ये रोज का नाटक बंद करो, अंदाजा भी है मुझे कितनी फिक्र थी। माफी मांगी ना? मुझे मनाना तुम अच्छी तरह से जानती हो। अरे! बाहर मुझे डर लग रहा है, सीधे घर चलते हैं। छोड़ दो मुझे, कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? हो सकता है उनका कोई प्लान हो, शायद वो आपको फंसाना चाहते हो। डीआईजी को फंसाना कोई मजाक है? बच्चा बाहर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। प्लीज मत जाइए बाहर, आपके सिवा मेरा है ही कौन। प्लीज मत जाइए। डीआईजी, फिनिश्ड। डेविड कैश। थैंक यू सर, थैंक यू। नानू सर से मिलना है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपसे मिलने के लिए एंथनी और डेविड आए हैं। ले आओ ने। गुड इवनिंग सर। सर, डीआईजी फिनिश्ड। ये सूटकेस उठा लो, इसमें पूरे 50 लाख है, निकलो। थैंक यू सर। सर, स्मॉल रिक्वेस्ट, क्या हम एक बार स्टीफन रॉबर्ट से मिल सकते हैं? ये दोनों तुम्हारे आदमी हैं? हाँ, मेरे आदमी हैं सर। सुनो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस बार सिर्फ तुम्हारे चमचे मारे गए। आगे से कभी स्टीफन रॉबर्ट को मिलने की बात कही तो तुम मरोगे। लाशों को ठिकाने लगा देना। फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है, रनवे पर आती है। ओहो, कुछ दिन बाद क्या आया, पूरा सिस्टम बदल गया। वैसे जनरल डिब्बा आगे होता है या पीछे? पंखों के बिल्कुल नीचे होता है। ओहो, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। अच्छा, क्या? नो, अच्छा, अंदर जो टीटी होता है वो कुछ चाय पानी लेके सीट तो देता होगा ना? टीटी नहीं, एयर होस्टेस होती है। ओके ओके, तो फ्लाइट कहीं बीच में वड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक के लिए रुकती है या बेचारे मुसाफिरों को भूखा ही लाया जाता है? अरे सर पीटने की क्या बात है, पता नहीं है तो पता नहीं बोलना। लगता है तुमने सिर्फ ट्रेन में धक्के खाए, कभी प्लेन में नहीं चढ़े हो। अब बोलो, ट्रेन हो या प्लेन, आखिर सफर ही करते हैं ना। प्लेन को क्या सोना लगाए जो तेरे जैसा फूल फूल लेके खड़ा रहेगा गमले में। नमस्ते सर। समझते, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? टॉयलेट का पाइप फूटा है, प्लम्बर भेजोगी? व्हाट? वाट नहीं लगेगी, वाट। पुणे की फ्लाइट कितने बजे आने वाली है? 10 मिनट में आएगी सर। ये 10 मिनट 15 मिनट का चूरन मुझे मत खिलाओ। लोनावाला क्रॉस किया, खंडाला पास किया, खोपोली पहुंचा कि नहीं अब तक? या साकी नाका पे ट्रैफिक जाम में अटका है? बोलो। फ्लाइट लैंड हो गई सर। ओके, थैंक यू। ड्रेस अच्छी है, कहाँ से सिलवाई? टेलर से सिलवाई सर। नहीं तो क्या मोची से सिलवाओगी? उम्र कितनी है तुम्हारी? काम पे पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकती। ओहो, तो कहाँ दोगी बताओ, मैं लेने आता हूँ। मुँह बंद करो वरना फ्लाइट अंदर घुस जाएगी। ये सबसे हटके लग रहा है, यही वो हटेला होगा।
ये लो कैप, बैग, शूज। मेरा नाम है बिरजू। लोग मुझे प्यार से बियर कहते हैं क्योंकि मैं बियर पीता नहीं हूं, बियर मुझे पीती है। चलें बियर बार में। मेरे बॉस ने मुझे आपको यह शहर घुमाने का काम सौंपा है। सारा शहर मुझे राजू गाइड के नाम से जानता है। वैसे आई ट्राइड टू गाइड मेनी पीपल। सब के सब पीपल के झाड़ के नीचे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कहीं ये जंगल बुक का मोगली तो नहीं? मैं इतना अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे ना तो रिप्लाई ना ही सप्लाई कर रहा है। मैं हूं ही इतना हैंडसम कि लोगों की बोलती बंद हो जाती है। ओए रुक, ओए। मेरे बॉस ने तो तुम्हें बैठी चाल में बिठाने को कहा था लेकिन मैंने तुम्हें इस महल में खड़ा किया क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं ना। 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली और 24 घंटे मेरा साथ। क्या है ये? है? क्या है? मैं उल्लू हूं, पागल हूं, गधा हूं, बस मैं ही बोले जा रहा हूं और तुम सिर्फ सुन रहे हो। ओए कुछ तो बोल दो यार, अपना मुंह खोल दो यार, मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई? किस खंभे से पाला पड़ा है? सूर्य नमस्कार कर रहा है। कितने अच्छे संस्कार हैं, अच्छे खानदान का होगा। पूजा पाठ करे वो तो भलाई होगा, शायद नमस्कार के बाद कुछ बोले। बिरजू यू आर टू मच यार। सॉरी सर, आप इतने नेक हैं कि पियो पियो और पियो, पियो और जियो। अरे सूर्य नमस्कार के बाद लोग माथे पर तिलक लगा के अच्छे काम करते हैं, इसे कटक के टल्ली नहीं होते। ये पीना पिलाना मुझ जैसे बियर को सूट करता है, तुम जैसे डियर को नहीं। अभी जवान हो, सुन रहे हो कि नहीं? अरे कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं लोगों का भेजा फ्राई करता हूँ, इसने मेरा कर दिया। अबे बिरजू भी 3 पेग डाउन है, अगर मुझे गुस्सा आए तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। 5 बोलने से पहले तुझे बोलना होगा, 1, 2, 3, 4। तेरे पैर पड़ता हूँ, कुछ बोल दे बाप। स्टीफन रॉबर्ट्स कौन है? कौन है बे? ओए गटर का शटर खोलते ही सबसे पहले तुमने अपने मुंह से जो बात कही वो स्टीफन रॉबर्ट के बारे में थी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, इसके आगे स्टीफन रॉबर्ट के बारे में कुछ मत पूछना। पूछो ना, पूछो, पूछने में क्या हर्ज है? सुनो, पुलिस ने भी आज तक उसे नहीं देखा है, ना ही उन गुंडे बदमाशों ने जो उसके लिए काम करते हैं। उन लोगों को जानते हो जो मुंबई में उसके लिए काम करते हैं? हाँ उनको जानता हूँ। तो मुझे उनके पास ले चलो। सिर्फ एक शर्त पर लेकर जाऊंगा, दूर से ही तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा, मुझे भरी जवानी में मरना नहीं है। वैसे तुम इस सब लफड़े में क्यों पड़ रहे हो यार? बैठे क्या हो, चलो। पहली बार किसी को कार में हेलमेट लगा के बैठे हो देखा है? नहीं पहनता तो ये मेरा लास्ट टाइम होता। स्टीफन रॉबर्ट कोई मामूली गुंडा नहीं है, मैं तो ऊपर से नीचे तक रोबोट के कपड़े पहनना चाहता था लेकिन रजनी सर ले गए ना, इसलिए मुझे सिर्फ ये हेलमेट ही मिला। बताओ वो लोग कहाँ मिलेंगे? उस गोडाउन में ऊपर जहाँ म्यूजिक बज रहा है ना, वहीं पर मिलेंगे। कोई पूछे तो कहना अकेले आए हो, मेरा नाम लोगे तो डर जाएंगे। हेलो, कौन है तू, यहाँ क्यों आया है? मुझे भाई से मिलना है। उनसे क्यों मिलना है? बिजनेस के लिए। थॉमस भाई, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है, चल बुला। ए, इधर आ। जल्दी बोल, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है।
हेलो भाई, कोई लड़का यहाँ स्टीफन रॉबर्ट से मिलने आया है, बोल रहा है बड़ी डील है। अगर उसे स्टीफन रॉबर्ट के साथ डील करनी होती तो वो यहाँ हमारे पास नहीं आता, सीधे नानू के पास जाता। साला कोई टाइम पास करने आया है, भगा दे साले को। हमें कोई डील नहीं करनी, चल फट। बहुत बड़ी डील है भाई। क्या भाई, मैं स्टीफन रॉबर्ट से डील करने आ रहा, आपने मुझे चिपका दिया। स्टॉप म्यूजिक। ए रॉड दे। तेरे दिमाग में बात नहीं घुसी, चल निकल। तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा मूड अभी मस्त है, वरना तू यहां से जिंदा नहीं जा पाता। बॉयज स्टार्ट द म्यूजिक। पिटे, मैं तो इसे माचो मैन समझ रहा था, पर ये साला तो पिचकू मैन निकला। घर जाके इसकी रिपोर्ट लेता हूं। पी ले, दवाई समझ के पी ले, मार खाया है ना, जरूरत है। बैठा तो ऐसे शान से है जैसे 500 लोगों की धुलाई करके बहादुरी के साबुन से नहा के आया है। जब तुमने मुझसे पूछा था कि स्टीफन रॉबर्ट कौन है, तब लगा अब आया हूं पहाड़ के नीचे, पर तू सारा खोदा पहाड़ और निकली छोटी सी चूहिया, कुत्ते की तरह धोया। पैर नीचे कर, पैर हटा हटा, चलो उठ, चलो उठ जा। अबे चल उठ ना, खंभे जैसा खड़ा है। 1 2 3 4 5 6 फीट लंबा, पर क्या फायदा। मुझको देख, 5 फीट ठिंगना, पर देख कर लोग थर 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 कांपते हैं। एक काम कर, नीचे झुक, मुझे तेरे कान के नीचे बजानी है। बाप रे, बैठ जा बैठ जा। टल्ली होके मेरी खिल्ली उड़ाता है, रुक। हाल ही में स्टीफन रॉबर्ट के आदमी ने किसका खून किया था? अबे तेरी सुई फिर से इसी नाम पे अटक गई। लेना है तो प्रियंका कटरीना के नाम ले, कम से कम खुश होने का तो मौका मिले। जानते हो या नहीं, ये फिर शुरू हो गया। मुझे भी इसी पकाऊ के साथ फंसना था, 2 पूरी बोतल गटक ले और सो जा। डर गए क्या? खामोश, डर बिरज को देख के खुद डर जाता है। ये क्या है, तुझे लगता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? कर तो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मोटी गड्डी देख कर। DGP का फोन किया था, मैं नहीं आऊंगा, तू अकेला जा। पैसे लिए ना तूने? मरने के लिए नहीं लिए। ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा। स्टीफन रॉबर्ट्स को अरेस्ट करने के लिए मेरे पापा पिछले 2 सालों से कड़ी मेहनत करके सबूत जमा कर रहे थे। हेडक्वार्टर में फाइल जमा करने से पहले ही उन लोगों ने मेरे माता पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। तुम कोर्ट नहीं गए? मेरे सिवा मेरी बहन का अब कोई नहीं रहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अनाथ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए। क्या मैं वो फाइल देख सकता हूँ? चुप हो जाओ, तुम होते कौन हो वो फाइल देखने वाले? निकल जाओ हमारे घर से। और भैया आप भी, क्या जरूरत है किसी बाहर वाले को हमारे घर की बातें बताने की? नहीं, मैं तो बस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी पापा पहले ही जा चुके हैं, भाई के सिवा मेरा कोई नहीं है, अब क्या इनकी भी जान लोगे तुम? मैं तो स्टीफन रॉबर्ट के बारे में। स्टीफन रॉबर्ट, अभी के अभी चले जाओ यहां से। सुनो तो, आप बीच में मत बोलिए भैया, चलो। प्लीज सुनिए आप, प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर फैसला करो। फोटो नहीं है, सिर्फ नाम लिखा है। स्टीफन रॉबर्ट को किसी ने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, नानू। मुंबई में उनका सारा कारोबार, सारे काले धंधे यही नानू संभालता है। स्टीफन रॉबर्ट एक आदमी है या दो? दो आदमी। जो स्टीफन है वो बहुत ताकतवर आदमी है, और रॉबर्ट की ताकत उसकी बेशुमार दौलत है। 5 साल से दोनों साथ में है।
बिजनेस डील के बहाने नानू से मिलूं तो क्या वो स्टीफन और रॉबर्ट से मुलाकात करवाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो आपके हाथ आएंगे। तो फिर क्या करूं? स्टीफन और रॉबर्ट तक पहुंचने के लिए, उनका पर्दाफाश करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। नंदिनी, नानू की बेटी। उसके अलावा नानू का इस दुनिया में कोई नहीं है। नंदिनी को अपने पिता के काले धंधे पसंद नहीं थे, इसलिए वो बैंकॉक जाके डांस टीचर बन गई। इस बात का फायदा उठाकर नानू के लिए काम करने वाले एंथनी ने अपने भाई को नंदिनी से प्यार का नाटक करने के लिए बैंकॉक भेज दिया। नंदिनी बैंकॉक। इस लड़की को पहचानते हो? क्या लड़की है यार, लाट टपकाना बंद करो और ये बताओ इसे पहचानते हो या नहीं? ये क्या कोई हीरोइन है जो इसे पहचानूंगा? कौन है ये? मेरी लवर है। तू मुझे शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण की फोटो दिखाकर कहेगा कि वो तेरी लवर है तो क्या मैं मान जाऊंगा? ये भी तुझे पसंद करती है क्या? यही पता करने तो बैंकॉक जा रहा हूँ। ओए बैंकॉक जा रहा है? जल्दी जा और मेरा पीछा छोड़। तेरे साथ रह रहे के मैं पक और थक दोनों गया हूँ। बंद कर, निकल। कपड़े पैक कर लो। तू बैंकॉक जा रहा है, तू कपड़े पैक कर। तुम भी साथ आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा। आ रहे हो? नहीं आ रहा। आ रहे हो? कल शाम 4 बजे की फ्लाइट है, टैक्सी ठीक 1 बजे नीचे आ जाएगी, तैयार रहना। कब से रोक के रखा था, फ्लाइट में पेट बिल्कुल टाइट हो गया है, जरा टॉयलेट जाके आता हूँ। फ्लाइट में टॉयलेट क्यों नहीं गए? मैं फ्लाइट में पहली बार बैठा हूँ, इसे पता चला तो मेरी खिल्ली उड़ाएगा। तुम्हें पता नहीं था ना कि प्लेन में टॉयलेट होता है? पता था, पर मैं नहीं चाहता था कि लोगों पे बिन मौसम बरसात हो। हम यहाँ रहने वाले। चल चल, बेकार का स्टाइल मारना बंद कर, जल्दी बताओ लड़की कहाँ मिलेगी। Got it. तुम्हारा ये गेटअप इस जगह को सूट नहीं करता, ऊपर से नीचे तक तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और कितनी देर वेट करोगे भाई, जाके बोल दो आई लव यू। भाई ने मुझे नंदिनी को अपने प्यार में फंसाने के लिए भेजा है, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो भाई मुझे सीधा ऊपर भेज देगा। मैं बस सही मौके की तलाश में हूँ, आज नहीं तो कल वो मेरी हो जाएगी। आपसे पहले कोई और ले गया ना तो हाथ मलते रह जाओगे भाई। इतनी हिम्मत किसमें है? रोमांटिक मूड की बैंड बाजा बारात कर दी। वो मेरी डार्लिंग है, आई लव हर। ए, लालच बुरी बला होती है, तेरी हाइट उसकी हाइट से मैच नहीं करती, मेरी उसकी एकदम सेम टू सेम है। सेम हाइट वाली लड़की को किस करने में मजा नहीं आता? हाँ मजा तो एक ठिकनी लड़की को बाहों में उठा के किस करने में आता है, है ना मेरी बात मैडम? हेलो सर, माला गेट टू मनाइका। बाल है या नारियल के रेशों से बनी झाड़ू? माला गेट टू मनाइका। नाना गेट टू मनाइका। आपके यहाँ कोई ऐसा माल नहीं है जो हिंदी में हाल चाल पूछे? शांता भाई। शांता भाई, क्या मदद करूं? हमें डांस सीखना है। तुम्हें हिंदी आती है? कहाँ की हो? मुंबई। शादी हो गई? नहीं हुई। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 5 हैं। ओह तेरी, तू ही बात कर ले यार, मुझे डांस सीखना है। आपको कौन सा डांस सीखना है? ब्रेक, फोक, रॉक, रैप, हिप हॉप, सा? हमें डांस सीखना है, चाइनीज खाना नहीं खाना है। ए, ये सारे डांस के फॉर्म्स हैं। हाँ मैं भी जानता हूँ, ये सालसा, जलसा, हिप हॉप, लॉलीपॉप, ब्रेक, मिल्कशेक हटाओ, कथक और भरतनाट्यम सिखाओ। आप इस मेंटल की बात मत सुनो। मेंटल? ये लड़कियाँ कौन सा डांस कर रही हैं? ये हिप हॉप। हाँ यही सीखना है। सिर्फ आपको सीखना है या दोनों को? ओनली वन। वन नहीं, 2। ये लो डांस की पूरी फीस, रख लो। मैडम, ओके गर्ल्स रिलैक्स। मैडम ये नए स्टूडेंट्स हैं, इन्हें हिप हॉप सीखना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात कर लूंगी। ओके मैडम। हाय, आई एम नंदिनी। नमस्ते मैडम। अकल वकल है या नहीं? मैं बिरजू, तुम मुझे प्यार से बियर पी सकती हो, कह सकती हो। पोपट कर दिया तो फिर उड़ जाना। Let's dance, come on. मैं आपकी डांस टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी डांस टीचर को बुलाती हूँ, जाके पीछे खड़े हो जाइए।
आज सिर्फ वार्म अप करते हैं, डांस मैं तुम्हें कल से सिखाऊंगी। ओके जैसी मैम। Yes, ma'am. टिंगू। मेरा नाम जस्सी है, तुम्हारी टीचर। मेरे सनग्लासेस दो। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स डांस। ए आओ ना। मैडम एक छोटा सा डाउट है, आप डांस टीचर हो या कंगफू टीचर? क्या तुम्हें मैं डांस टीचर नहीं लगती क्या? तुमने अभी मेरा ठुमका देखा नहीं है। हे म्यूजिक बजाओ। हिप हॉप में पूरी बॉडी हिलानी होती है, तुम तो सिर्फ अपना हिप हिला रही हो। ए मिस्टर, ये है हिप, ये है अप, हो गया ना हिप हॉप। हिप हॉप में बस इतना ही हिलाते हैं? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। म्यूजिक। ये डांस है? नहीं है। लगता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। मुंह बंद, कल इसी वक्त क्लास में आ जाना। अरे सुनो तो सही, तुम बिना बताए डांस क्लास से चले क्यों हैं? तो और क्या करता, टाटा बाय बाय करके वहाँ से जाता। उस पागल औरत ने तो हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप करके कमर की माँ बहन एक कर दी। हम यहाँ नंदू को पटाने आए थे, तो फिर ये नौटंकी क्यों? हम का क्या मतलब, मैं आया था। पहले तू अकेला था, लेकिन अब दुकेला हो गया है, ये जॉइंट वेंचर है। जब से उसने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, टन टन टनाटन। ये गलत है, तुम मेरे कंपटीशन में खड़े हो रहे हो। चुप साले, तू खुद को क्या हीरो नंबर वन समझता है? तेरी हाइट 6 फुट है, तेरे सिक्स पैक एब्स हैं, इसलिए तेरे ऊपर लड़कियां मरती हैं। लेकिन इंडिया के 60% मर्द हमारी तरह हैं, पेट बाहर दिमाग अंदर, तो मेजोरिटी हमारी हुई ना। नहीं, अब प्लीज प्लीज आप पीछे हट जाओ ना। ओके ओके, तू इतना भीख मांग रहा है इसलिए तुझे एक ऑफर देता हूँ। बम्पर ऑफर है। कैसा ऑफर? अगर तूने एक हफ्ते में नंदू को पटा लिया तो ठीक है, वरना यहाँ से अपनी तशरीफ उठाकर वापस इंडिया कट लेना। अच्छा ठीक है। एक और डबल धमाका ऑफर है, रोज रोज नहीं मिलेगा। सुन, नंदिनी को पटाने में मैं तेरी मदद करूंगा बच्चे। थैंक्स यार, अब तो नंदिनी मेरी होके रहेगी। तुम्हें बुला रही हूँ। यस। तुम नहीं, वो। ए मिस्टर, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ? सुबह सुबह चुड़ैल के दर्शन। नाउ गर्ल्स गो एंड रिलैक्स, बॉयज अपने रिहर्सल शुरू करो। आ जैसे इनकी क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं तुम्हारी क्लास लेना शुरू कर दूंगी। ओके ऐसे मत देख यार, कुछ होता है। ओके नाउ डू दिस। हेलो, यहाँ नहीं, यहाँ देखो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। लाइक दिस यू सेड राइट? स्टॉप। डेविड। यस मैम। तुम्हें ये मूवमेंट आती है ना? आती है ना मैम। सिखाओ इसे। ओके मैम। प्रैक्टिस करना, मैं कल देखूंगी। हेलो, वहाँ क्या देख रहा है? फिगर मस्त लगा क्या? बहुत मस्त। तेरा नाम क्या है, कहाँ से आया है तू? अपना मुंह क्यों नहीं खोलता है, बोलता क्यों नहीं है? मैडम ने ये सब पूछने के लिए बोला है। मूवमेंट सिखाओ सर। 1। हेलो। यस। वैसे आपकी उम्र कितनी है? जस्ट 22। ओह मे
मेरी 16:30 झूठ बोल रहा है बमका गोला। मुझे चलेगा, चलो अब साथ मिलकर करते हैं पापा पापा प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं, कम ऑन, 1 2 3 4 बस 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 6 7 8 ये गिनती तो मुझे भी आती है, तुम मुझे डांस सिखाओ। हाँ चलो सिखो। ये हिप, रुक, ये हिप अप, हिप अप, हिप अप, इसके सिवा कुछ नहीं आता क्या? कुछ नया सिखाओ। ओके, कुछ नया सिखाती हूँ। ओके हाँ। ये है हिप, अब ये हिप है। ओके, ये अप, ये अप है, ये हिप, ये अप, ये हिप, ये अप, ये हिप, हिप अप, हिप अप, हिप अप, हिप अप। अरे यार दिमाग का दही करना बंद कर, वो माइकल जैक्सन तुम्हारा डांस देखता तो दोबारा मर जाता। तुमसे अच्छा तो गली के कुत्ते डांस करते हैं। तुम भी मुझसे अच्छा डांस करती हो? बिल्कुल, यानी तुम गली की कुतिया हो। तुमने मुझे गली की कुतिया कहा। But I love you। ओए नकली हीरो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? डांस क्लास के बाद नंदनी यहाँ आती है। ओ वो देखो, वो वहां बैठी है। दिख गई, उसे पटाने में मेरी मदद करो ना। हाँ। मौका अच्छा है, चौका मार दो प्लीज। चौका नहीं, मैं सीधा छक्का मारूंगा। थैंक्स दोस्त। ठीक है ठीक है। मैडम जी, 2 मिनट जरा नीचे आएंगी, मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। क्या है? ऐसी निगाह से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। प्लीज आइए ना, साडे मुंडे को आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है प्लीज। ए हीरो, कम हियर। आइए मैडम, मैंने सेटिंग कर ली है, आई लव यू बोल दे। ये आप क्या कह रहे हो? अबे फुटेज मत खा, आई लव यू बोल डाल। आई लव यू मतलब है? यानी आई लव यू बोल। मैं इस लड़की को आई लव यू बोल? हाँ, आई लव यू बोल डाल। तेरी इतनी हिम्मत? ये क्या, मुझे मारा? मंदिर के घंटे की तरह मुझे बजा डाला? मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, तू मेरी इज्जत उतार रहा है? मैं पहले से एक लड़की के प्यार में पागल हूँ, फिर इससे मैं इस लड़की से प्यार करूंगा? अरे लड़की है रे, ये दिखने में सिर्फ ठीक ठाक है और मेरी वाली तो एकदम अप्सरा है। अरे संभालना, तुम चाहते हो कि मैं अपने प्यार को धोखा दूं? यार तबला समझ के फोड़ रहा है मुझे। पूछो क्या हुआ, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू मुझे उसका नाम तो बता, फिर देख मैं क्या करती हूँ। तुम रहने दो। मेरी क्लास में डांस सीखने वाला कहता है मैं सब ठीक ठाक दिखती हूँ। सही तो बोला। ए जेसी, बेकार में भेजा फ्राई मत करना वरना रो पड़ूंगी। कहता है उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे दिखने में अच्छी है। क्या मेरी आँखें टेढ़ी है? क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं है? नंदिनी दिल पे मत ले यार, मुझे कसम है मेरे उलझे हुए बालों की उसे लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगी। ओ जैसी, इमोशंस को समझती क्यों नहीं? मम्मा, अबे चल जा वापस, इंडिया निकल ले। साले मैं तेरी मदद कर रहा था और तू नंदिनी के सामने मेरी धुलाई कर रहा था। चल फोट, चला जा यहाँ से। मैं नंदिनी से शादी करके इसी घर में बसूंगा। जा बिरजू। फोट बिरजू, मेरी बात तो सुनो। मेरे होते हुए आप कैसे नंदिनी के साथ घर बसा सकते हो? अरे जो हुआ उसे भूल जाइए प्लीज, प्लीज प्लीज माफ कर दो। नंदिनी दिखने में एकदम हॉट है और काफी अमीर भी लगती है, कितने लड़कों ने उसे आई लव यू कहा होगा। अगर मैं भी वही करूं तो फर्क क्या रह जाएगा, इसलिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। सॉरी बिरजू, प्लीज मान जाओ। रुक जा। अरे साले, जब से तू मुझसे मिला है तेरा दिमाग उस टावर की तरह ऊंचाइयां छू रहा है। आपको फिर से मेरी मदद करनी होगी। कैसे? आपको नंदिनी के पास जाके कहना होगा कि मैं उसे प्यार करता हूं। ओके, कह दूंगा यार। थैंक्स यार, इसमें कौन सी बड़ी बात। थैंक्स। लेकिन एक बात पूछनी है, इस बार तू कुत्ते की तरह धुलाई तो नहीं करेगा ना मेरी? ना 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 ना, प्रॉमिस प्रॉमिस, सर पे हाथ रख, प्रॉमिस। शाबाश, चल निकल, हो जाएगा तेरा काम। आखिर बियर है मेरा नाम, गधा कहेगा। जिस दिन नंदिनी के सामने तूने मुझे मारा है उसने मुझे बेचारा समझा है, अब वो बेचारी इस बेचारे के चक्कर में फंस जाएगी। Where is Nandini? She's coming. Hi, beta. Hi. आओ बैठो। डैडी, बिना बताए आप यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि तुम मुझसे मिलने मुंबई नहीं आई ना, मिलने का मन किया तो मैं आ गया। नंदिनी,
बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ कोई तंग तो नहीं करता ना? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है डैडी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। उल्टा आपने यहाँ आके मुझे तंग कर दिया है। ओके ठीक है बाबा, ठीक है। तुम्हें कोई सिक्योरिटी चाहिए? आपकी सिक्योरिटी से परेशान होके ही तो मैं बैंकॉक आई हूँ। अगर आपने मुझे सिक्योरिटी दी ना, तो मैं यहाँ से किसी और देश चली जाऊंगी। नो, तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डैडी मुझे स्विमिंग के लिए जाना है। मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। ओके डैडी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, बाय। भाई कहाँ चले गए थे? बाहर खड़ा रहे और ध्यान रखना कि कोई अंदर ना पाए। डेविड बोल। नानू यहाँ आया है। क्या बोला? वो वहाँ क्या कर रहा है? लगता है उसे शक हो गया। अब भी वहीं है या चला गया? हाँ चला गया। संभल के रहना। ओके भैया। अबे ख्यालों में ही रोमांस करेगा? नंदिनी स्विमिंग पूल में होगी, वहां जाके पटा। तू यहीं रुक, मैं उससे बात करता हूं। एक्सक्यूज मी मैम। ओके जाओ। डार्लिंग क्या है बोरिंग? डू यू लाइक माय मोमेंट्स? कोई बात नहीं, ये मुझसे जलती है। तुम आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। किसमिस। बाय। अरे हट, सुन रे हीरो, मैं तेरी नंदिनी से सेटिंग करवाना चाहता हूँ और वो बूढ़ी घोड़ी मुझ पे लगाम डाल रही है। क्या कह रहे हो तुम, हो इतने सेक्सी? मैं जानता हूँ मैं बहुत सेक्सी हूँ, इसलिए कोई भी चांस मारेगा। मेरा स्टाइल अलग है, मेरा क्लास अलग है। ये आधा चांद देखो, ये मोटा पेट देखो। तुम्हारी बात ही अलग है। अब डींगे मारना बंद करो और नंदिनी से मेरी सेटिंग करा दो प्लीज। साले मैंने तेरे जैसा मतलब ही नहीं देखा, प्लीज मेरा सेटिंग करा दो। रुक यहीं, मैं नंदिनी को ले आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? 5 मिनट के लिए बाहर आएंगी, कुछ बात करनी है। कल तुम्हारे दोस्त ने मेरा इंसल्ट किया, कहता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड से कंपेयर करके चला गया। मेरी ब्यूटी का मजाक उड़ा रहा है वो। उसी के लिए वो बेचारा सॉरी बोलने आया है, प्लीज। ओके इस बार उसको आई लव यू बोल डाल। भाई ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। नंदिनी के सामने हीरो बनने का यही सही मौका है। चल चल अब जल्दी बोल, आई लव यू बोल। अबे आई लव यू बोल ना, ऊपर क्या देख रहा है, बोल ना। तूने फिर से मुझ पे हाथ उठाया, इतना तो रोज मैं अपने कपड़े भी नहीं धोता। तू चुप, तेरा खानदान चुप। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या? मैं और इससे प्यार करूंगा? ऊपर वाले ने आंख नाक कान दे दिया तो क्या सुंदर हो गई? उन्हें एक लाइन में लगा होना चाहिए। अबे लाइन मारने की बात कर, लाइन की बात क्यों कर रहा है? लाइन तब मारूंगा जब सब कुछ लाइन में हो। मेरी लाइन में खराबी है? मेरी वाली तो जन्नत की अप्सरा दिखती है और ये जहन्नम की चुड़ैल दिखती है। मेरी वाली को देखते दिल धक धक करता है और इसे देख के दिल रुक जाता है। ये डांस वांस करने के लिए ठीक है, लेकिन प्यार नो वे। ए, खुद को समझते क्या हो? जब देखो मेरे बारे में बुरा बोलते रहते। बिरजू इधर आओ। इन्हें बीच में क्यों ला रहे हो? अरे तुम नहीं समझोगी। मुझे नहीं जा रहा, ये कुत्ते की तरह मारता है। इधर आना यार। What happened मैम? ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? हाँ क्या रे? ए, बता मैडम कहां से बदसूरत है? मैं कब से तेरा नाटक देख रहा हूं, लेकिन अब बस बहुत हो गया। इधर आ, मैडम को सॉरी बोल। सॉरी बोल, देखता क्या है। सॉरी बोल दे। सॉरी बोल। ए,
रुक जाओ, लेट हिम गो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। मैडम ने कहा इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। आप आइए मैडम, प्लीज आइए। अब क्या हुआ? उस औरत ने मेरी इज्जत लूट ली। किसने लूट ली? वही क्लास वाली, हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप डांस सिखाने की आड़ में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तो हाँ बोल के उसको खुश कर दो, जाओ उसके हो जाओ। मेरी शामत आई है क्या? वो कोई 16 साल का फ्रेश माल नहीं है, 60 साल का एक्सपायर्ड माल है। तुम्हें 16 साल की लड़की पटानी है? अबे 17 साल के लड़के को 16 साल की चलेगी ना? नंदिनी को तेरे लिए कुर्बान किया, वरना आज हम नंदिनी के सपने देखना छोड़ दो। नंदिनी आ रही है, मैं उसे पटाने के लिए कुछ सोचता हूँ, तुम मेरा साथ देना बस। आज लैपटॉप पर अपनी वाली की फोटो देखकर मैं फिर से फिदा हो गया, कितनी सुंदर है। और हमारी वो डांस टीचर, बाप रे छे। क्या कहा? ओ तुम यहाँ कब आए? तूने तो उसे आते हुए देखा था। लुक, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे सुंदर है तो जाओ दिन रात जाके उसकी आरती उतारो, मेरे बारे में बेकार के कमेंट्स करना बंद कर दो। मैंने कब कहा कि तुम बदसूरत हो? मैंने बस ये कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे सुंदर है। मेरी गर्लफ्रेंड, जाओ उसको यहाँ लेकर आओ, देखते हैं वो सुंदर है या मैं, फैसला हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं आ सकती, तुम चाहो तो मेरे घर आकर उसे देख सकती हो। ओके, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, एड्रेस दो। एक मिनट, ये लो, ये है मेरा एड्रेस। आज शाम को ही आ जाऊंगी, देखते हैं कौन सुंदर है। क्या हुआ? बाप रे! अगर मैं उसके घर ऐसे जाऊं तो मेरा कुछ नहीं होगा। वो इतना कह रहा है तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। मैं ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। तुम साड़ी गंदी करना बंद करो, मैं तुमको एक आइडिया देती हूँ। उसकी बातों से लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड साड़ी पहनकर आएगी, तो तुम उल्टा करो, तुम स्विमिंग सूट पहनकर जाओ और उसके तोते उड़ा दो। स्विमिंग सूट पहनकर अपना कचरा करवाऊं? तुम ही पहनो। हाँ मैंने पहना था, दो आदमी मर गए और एक कोमा में चला गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? ना मैं तो दूध पीती हूँ ना रोज। बैठे बैठे हंसो मत, मुझे बताओ मैं क्या पहनकर जाऊं। तुम सारी साड़ियां पहनकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। करेक्ट। नई चमी फ्रंट बैक, हाउज इट बैड। Yes, madam. उसकी गर्लफ्रेंड आपको ऐसे देखकर तो जल जाएगी और इसी साड़ी से खुद को फांसी लगा लेगी। Is it? मान लिया अगर वो मैडम से ज्यादा खूबसूरत हुई तो इसी साड़ी का फंदा मैडम के गले में। ए जैसी, चुप अम्मा, तेरा और ऋषि का कत्ले आम कर दूंगी। Come in. Oh. रुको! पीछे हटो, पीछे हटो। बच गए। यू नो मेरी गर्लफ्रेंड रोज यहीं से होकर अंदर आती है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा कर रखता हूँ। यू नो शी इज ब्यूटीफुल। मैंने तुमसे पूछा क्या? तुम पूछो या ना पूछो, शी इज ब्यूटीफुल। अब जाओ जाके पीछे बैठ जाओ। हेलो, इंसानों को फूलों की जरूरत पड़ती है, एक कली को फूल की जरूरत नहीं है। यहाँ कली कौन है? मैं। बहुत पका लिया, अब जाके बैठ जाओ। डार्लिंग स्वीट हार्ट गुल बदन जाने मन जाने बहा, तुम्हारे फैंस आ चुके हैं, प्लीज जरा बाहर आके इन्हें ऑटोग्राफ्स दे दो। ऑटोग्राफ? ओके। उसने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें आना होगा, लेकिन सवाल के फूलों पर पैर मत रखना, आ जाओ। लुक,
That's my girl. Please God, मुझसे दिखने में कम सुंदर हो, please. इसकी आंखें देखो कितनी सेक्सी है, मन करता है कि इनमें डूब जाओ, लेकिन क्या करूं इनकी चमक से कहीं अंधा ना हो जाऊं, एकदम मृग नयनी है। और खुद को देखो, इन होठों को देखो, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल हैं, मन करता है कि धीरे से काट लो नीचे वाले होठों को। वाह, इन्हें कहते हैं होठ। और एक तुम्हारे होठ देखो, आजकल की लड़कियों की कमर की जगह कमरा होता है, लेकिन मेरी जाने मन की कमर तो देखो जरा। वेट वेट, मन करता है इसे चूम लूं। नहीं नहीं नहीं, बस जोर से पकड़ के चिपका रहा हूं। क्या फीलिंग है, तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा था कि मेरी डार्लिंग दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो कैसी लगी मेरी जाने मन? मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद तुम्हें कुछ कुछ होने लगा था ना? नाटक मत करो, आई लव यू बोल दो। ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था? तुम्हारी आंखों ने। शट अप। पहली बार देख के मैं फिदा हो गई थी। तभी तब से, अरे तू पहले गुना बताया, एक गुना। अब तो बोल दो, आई लव यू बोल दो। अभी नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कम अब भाव मत खाओ, आई लव यू बोल दो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो, तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानती हूँ। पहले तुम शुरू करोगी या फिर मैं करूं? तुम ही कर दो। ओके, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एक LIC एजेंट है, समझ नहीं आया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मम्मी एक हाउसवाइफ हैं, क्या खाना बनाती हैं। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है, मुंबई में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम मुंबई के हो? क्या बात कर रही हो, तुम भी मुंबई से हो? सेम पिंच। उतावले मत बनो, क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है? मैं दिखने में ही हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। तुम खुद ही सोचो, उस दिन उस स्विमिंग पूल पर नाटे ने मुझे कितना मारा, और मैं बस उसे घूरता रहा, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। मेरे दुबले पतले दोस्त भी मुझे मारते हैं तो मैं पलट के उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है, बहुत सॉफ्ट हूँ ना। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं, उनका नाम नानू है और वो स्टीफन रॉबर्ट्स के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझसे यह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, मैं उस माहौल से बस किसी तरह दूर जाना चाहती थी। फिर मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए, उसके पास पैसे भले ही ना हो, बस वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं एक डॉन की बेटी हूं, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है नंदू, तुम्हारी जगह मैं होता तो न जाने कितनों की मदद कर देता, पर तुमसे नहीं होगा। तुम चाहती तो कितनों के उजड़े घर बसा सकती थी, पर यह भलाई का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। स्टीफन रॉबर्ट कैसे दिखते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा जानते हैं, वो उनके आदमी है। अगर उनकी फोटोज तुम किसी तरह पुलिस को दे सको तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी, उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगियों में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगे। मैं जरूर करूंगी। तुमने मुझे एक अच्छा काम करने को कहा है, कोई बुरा काम नहीं, मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। प्रॉमिस।
अपने प्यार के खातिर कुछ भी करूंगी। I love you। अब तुम भी बोलो I love you too। मुझे जोर से हग करके बोलो I love you। बोलो ना। I love you। क्या हुआ? नहीं वो बाप, अगर तुम्हारे पापा के आदमी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाके मुंबई की टिकट्स बुक करवाती हूँ, वहीं जाके बात करेंगे। ओके ओके। अपनी आगे की लव स्टोरी मुंबई में। See you there। चल। भैया अंदर आइए ना। हेलो सर। हेलो। आप बैंकॉक से कब लौट कर रहे हैं? मीरा ड्राइवर, गाड़ी बाहर निकालो, मैं अभी आता हूँ। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ बात बनी? बैंकॉक में क्या हुआ बताइए ना। हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। नंदनी एक अच्छी लड़की है, अब वो घर लौट आई। हमें अब किसी भी पल स्टीफन रॉबर्ट्स की फोटो मिल सकती है। पर एक बात बतानी है, बैंकॉक में मैंने एंथनी के भाई डेविड को मार डाला। मेरा यहाँ होना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। फोटो मिल जाने के बाद आऊंगा, अपना ख्याल रखना। वेलकम टू इंडिया। हाय डैड। फारूक सर, आज मेरी कोई मीटिंग्स हैं? हैं सर। कैंसिल कर दो। ओके सर। और हाँ, आज मैं सारा दिन अपनी बेटी के साथ बिताऊंगा। श्योर सर। इतने साल मैं आपको गलत समझ के आपसे दूरी बनाती रही। आई एम सॉरी डैड। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। डैडी मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बैंकॉक में एक मारामारी के दौरान जब मेरे मुंह से गलती से स्टीफन रॉबर्ट्स का नाम निकला तो सब लड़के डर के मारे कांपने लगे। तब मैं समझी कि स्टीफन रॉबर्ट्स कितने पावरफुल हैं। Really? हाँ डैडी, स्टीफन रॉबर्ट्स को तो बैंकॉक में सब जानते हैं। मैं भी ट्यूबलाइट हूँ। इतना समझने में इतनी देर लग गई मुझे। मैंने ये भी सुना है कि अब तक किसी ने स्टीफन रॉबर्ट्स को देखा नहीं है। क्या उन्हें देखना इतना मुश्किल है डैडी? यस, दूसरों के लिए मुश्किल है, मेरी बेटी के लिए नहीं। तुम देखना चाहोगी? ये क्या बढ़िया फाइटिंग करते हैं, एकदम हॉलीवुड के स्टाइलिश विलन्स की तरह डैडी। ये सच में इतने ताकतवर है? मुझे ये नहीं पता था। हेलो ऋषि, एक गुड न्यूज़ है। मिल गई, वो फोटोज मिल गए क्या? तुमने सिर्फ फोटोज मांगी थी ना, मुझे तो स्टीफन रॉबर्ट्स का वीडियो मिल गया। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है? हे 11 बज गए हैं। अभी नहीं, हम कल मिलेंगे। ओके। वीडियो। हे, इस वक्त यहाँ आने का क्या मतलब है? वीडियो। मैंने कहा था ना कल दे दूंगी, प्लीज जाओ यहाँ से। वीडियो। डैडी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वीडियो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। Thank you.
स्टीफन रॉबर्ट्स को कोई छू नहीं सकता। भैया ही होंगे, लगता है उन्हें फोटोज मिल गए। तुम लोग कौन हो? क्या कहा? यहाँ क्यों आए हो? खाना खाने आया हूँ। स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए यहाँ कौन सा लौंडा आया था? जल्दी बक। मैं कुछ नहीं जानता सर। कुछ नहीं जानते? नहीं सर। ए? आया भाई, तेरे को लगता है ये तेरा ड्राइवर है? ये मेरा आदमी है, अब बोलना। या कोई नहीं आया था? हाँ? नहीं सर। नहीं 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 आया नहीं। स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए दो बार यहाँ कोई आया था, लेकिन इस साले ने लेट बताया, इसलिए ठोक दिया। लेट का मतलब बिना टिकट के सीधा ऊपर। अब बता, यहाँ कौन आया था? तो ऐसे नहीं बताएगा। अरे ऋषि, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कहाँ चला गया था? सर, स्टीफन रॉबर्ट्स को मालूम पड़ गया कि आप मेरे घर आए थे, वो मेरी बहन को उठा के ले गए। सर सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज सर प्लीज कुछ कीजिए सर। आउट। मुझे पता चल चुका है कि स्टीफन रॉबर्ट नाम का शख्स कौन है। वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। वो मेरी भी बहन है और मेरे होते हुए कोई उसका बाल भी पाका नहीं कर सकता। बाप रे बेटा बिरजू बियर, जल्दी से अपनी बाटलियां बांध और कट ले यहां से। क्या हुआ तुम्हें? क्या रे, क्या हुआ तुम सबको? रिबेल नाम के एक छोकरे ने हमें बहुत मारा सर, हमारे कुत्ते जैसी हालत कर दी। वो बोला मुझे, आपको, हमारे सारे आदमियों को, यहां तक के स्टीफन रॉबर्ट्स को भी खत्म कर देगा। साले का हुलिया बता। जानता है मैं तेरी जान क्यों नहीं ले रहा हूं? जाके बोल स्टीफन रॉबर्ट्स को कि वो अब चंद दिनों का मेहमान है। मासूमों की जान लेना, औरतों पर अत्याचार करना, बच्चों को अनाथ करना कोई मर्दानगी नहीं है। बोल उसको, यहां आए और आके मेरा मुकाबला करें। जाके कह दे उससे कि जंग छिड़ चुकी है, अब बस लाशें बिछाना बाकी है। जा, नहीं डरता हूं मैं। उसका अब तक सिर्फ चूहों से पाला पड़ा होगा, ऐसे चूहों से जो सिर्फ अपनी गली के शेर होते हैं, लेकिन उसका सामना ऐसे शेर से नहीं हुआ जो शिकार को सीधा चीर के रख देता है। कल शाम के 5 बजे मैं तेरे इलाके में आऊंगा। तू वहां आए ना आए, फिर भी तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अब जाके स्टीफन रॉबर्ट्स को मेरे बारे में बता। वो तुझसे पूछेगा, ऐसा कौन है जो हमारे इलाके, हमारे शहर में आके हमारे लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा है। जाके बोल उसको। उसका कॉल आ गया है, रेबेल, 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 रेबेल। भाई क्या बोलता है, क्या धुलाई करता है, जो भी करता है ठोक बजा के करता है। कहां मिलेगा वो?
किधर है वो? बस स्टॉप पर उसके सिगरेट जलाते ही लाशें गिरने लगेंगी, फिर वो चल के उस कॉफी शॉप में जाके कॉफी पिएगा, ऐसा बोला वो। अरे पर वो है कहां? सिग्नल मिल गया, वो आ गया भाई। जॉर्ज जा। क्या सिर्फ एक आदमी? हाँ एक ही आदमी काफी है। एक क्या, सौ भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। मरना है मरे, तू निकल ले यहां से थॉमस। ये अकेला क्या कम था कि साथ में कुंग फू टीम भी ले आया। ए, गन निकाल और फूंक डाल साले। जल्दी से निकल ले थॉमस, हो सके तो गायब हो जा, गायब हो जा। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए मुझे सर। भाई एक गुड न्यूज है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं हमेशा गुड न्यूज और बैड न्यूज साथ में देता हूं, ये मेरा स्टाइल है। बैड न्यूज ये है कि मैंने तेरे भाई को ऊपर पहुंचा दिया है और वो तुझे बहुत मिस कर रहा है। मेरे तीन गिनने से पहले जगह पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1, 2, 3 बताओ तुम कौन? ऋषि मुझसे बात करो, ऋषि कुछ पूछ रही हूं, बताओ मुझे। मैं बताता हूं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ऋषि कोई आवारा गुंडा बदमाश नहीं है, वो हमारे देवता जनार्दन जी का बेटा है। Oh,
भैया चलो अंदर चलते हैं। Hey. Hey, लोग यहां पॉलिटिशियंस या भगवान की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, पुलिस की वजह से करते हैं। यहां एक ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं जहां गलत काम होते हो। राजू। हाँ मालिक। पुलिस स्टेशन को ताला लगा दो। कांस्टेबल चाबी। नमस्ते सर, अगर पुलिस स्टेशन को ताला लगा दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कमिश्नर, जानना चाहते हो इस आदमी ने क्या किया? लक्ष्मी बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर ये मेरे बड़े भैया हैं, ये गुंगे हैं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हमारी सारी जमीन छीन ली थी। जब हम मदद के लिए इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि ये हमारी मदद तभी करेंगे अगर मैं इनके साथ एक रात बिताऊं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। नहीं, सर ये तो आपका भतीजा है ना? तो क्या हुआ? हे जयराम। हाँ भैया। तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है, इसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। रुको, सुन लिया ना कमिश्नर, चाहे ये मेरा घर वाला हो या फिर कोई बाहर वाला आदमी हो, अपराध करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। राजू। जी मालिक। ये मेरे घर में क्या, हमारे गांव तक में नहीं रह सकता। इसकी काली छाया को यहां से दूर कर। तुझे अगर आसपास कहीं भी देखा तो तेरा खेल खत्म। सुन, अगर वापस आया तो जिंदा नहीं बचेगा। भाभी भैया आ रहे हैं। भाभी भाभी। जयराम, शक्ति ने ऐसा क्यों किया? मेरी तो किस्मत ही फूटी है, उसके पैदा होते ही मेरी पत्नी की मौत हो गई। आज के बाद मेरा कोई बेटा नहीं है। भाभी भैया बहुत गुस्से में है। उमा, साहब के लिए चाय लेकर आना। सुमित्रा, मुझे आज चाय नहीं पीनी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सुनिए सुनिए, तो ऋषि का फोन आया था। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। आप सबके पास मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल अलग है, उसकी परवरिश इस माहौल से बिल्कुल दूर की गई है। वो एक निहायत ही शरीफ लड़का है, मैंने उसे खून खराबे की इस दुनिया से दूर रखते हुए उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेंगलोर में करवाई है। हाँ, अब बताइए कि उसकी कुंडली में क्या लिखा है।
शुक्ला जी, हाँ, जन्म कुंडली में क्या दिखाई पड़ रहा है? यही कि वो लोगों की अच्छी खासी धुलाई कर रहा है, अकेले ही वो कई लोगों की टांगे तोड़ सकता है। क्या हुआ मिश्रा जी? क्या हुआ गुरु जी? सेठ जी, ये पक्का आपके बेटे की ही जन्म कुंडली है ना? उसी की है, क्यों कुंडली में कोई दोष है पंडित जी? अब बिल्कुल नहीं, आपने जो बताया और जो कुंडली में दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपका मतलब क्या है? एक बात बताइए, क्या आपका बेटा बहुत संगीत सुनता है? हाँ सुनता तो है, वो दिन भर कानों में हेडफोन्स पहन के संगीत साधना में डूबा रहता है। ओहो। हाँ लेकिन वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सुनता है। ओहो। संगीत से तो बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन पत्थर संगीत हरगिज नहीं सीख सकता। क्यों, सही कहा ना छोटे? कुछ सुनाई नहीं दिया मिश्रा जी। अच्छा है, कोई उलझन है क्या? सेठ जी, आपके बेटे को किसी से प्रेम हो? वो आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग है। ओ, I love you. ए ऋषि, I love you. सेठ जी, क्या आपका बेटा लड़कियों के बहुत करीब रहता है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बताया ना, वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, फिर ये लड़की वड़की का तो सवाल ही नहीं उठता। एक्सट्रीमली सॉरी सर। लड़कियों के नजदीक रहने के लिए प्यार करने की क्या जरूरत? जेब में पैसा हो तो सीधा लड़की बगल में। प्यार में यहाँ वहाँ छूने को भी मिल जाता है। अब तेरे कान काम करने लग गए पंडित जी। जी ये बताइए कि उसकी शादी जिस लड़की से होगी वो कैसी होगी? जब लड़का ही लफंगा है तो शादी भी किसी लफंगे से ही होगी। कुछ कहा? कुछ नहीं। सेठ जी, वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखेगी, एकदम सुंदर, सुशील, नेक, सीधी सादी, बड़ों का मान। इतनी सारी लड़कियां क्यों? अरे ये कम अकल नपचड़ा फिर बोला। सेठ जी, हम पहले से ही बहुत उलझे हुए हैं और उलझाइए मत। हमने ये कहा कि एक लड़की में ये सारे गुण मौजूद होंगे। आप अपनी नाक का ख्याल रखिए, हमारी नाक में दम मत कीजिए। पंडित जी। कहिए बहन जी। आप उलझन में क्यों हैं? ऐसा क्या है ऋषि की कुंडली में? अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया। पंडित जी, मालकिन ने जो पूछा है उसी बात का जवाब दो, यहाँ वहाँ की बात मत करो। समझ गया, इसकी कुंडली दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन मिश्रा जी, ये जो कह रहा है, इस लड़के की कुंडली तो कुछ और ही बता रही है। अगर आप आज्ञा दें तो सच बता दें। अरे दिमाग खराब है क्या? अगर इन्हें सच बताया तो इन्हें इतना कड़वा लगेगा कि हम सब पंडितों को ऊपर पहुंचा देंगे। मुंह बंद रख और कुछ मत बोल। अर्थात झूठ बोलकर अपने ही पेशे पर कलंक लगा। अरे कलंक तो तब लगेगा जब मैं और तू यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे। ये यमराज का वॉचमैन अगर गोली चलाएगा ना तो गोली सीधा मुंह में जाएगी और हम यमराज के दरबार में मिलेंगे। इसलिए अपना मुंह बंद रख, इन्हें अच्छी बातें बता, फिर हम लोग गुल हो जाएंगे। जी मैं समझ गया। सेठ जी, आपका बच्चा बहुत ही नेक है, बड़ों का सम्मान करता है, पूजा पाठ और भक्ति करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस लड़के को तो लड़कियों और लड़ाई झगड़ों से एलर्जी है। लड़का गुणवान है। खामोश, आपका बेटा बेटा नहीं सेठ जी, हीरा है। ये हीरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, शॉर्टकट में मिस्टर परफेक्ट, ये सबका दिल बहलाएगा। आपके मुँह से अपने बेटे के बारे में ये सब सुन के मेरा दिल खुश हो गया पंडित जी। राजू जी मालिक, इन्हें इतना बड़ा इनाम दो कि जीते जी ये उसे कभी भी भूल ना सके। झूठ समझ गए क्या? लगता है पिटाई के साथ आज अंतिम यात्रा भी निकली। कहां थे अब तक? अब यहां क्या करने आए हो? उस कुत्ते ने अपने सगे भतीजे तक को नहीं छोड़ा और आपने उसका साथ देते हुए अपने खुद के बेटे को मारा। तू कैसे बाप हो आप? सौतेला बाप भी ऐसा नहीं करता। अगर तब तेरा साथ देता वो हम दोनों को गोलियों से भून डालते। उनकी पावर जानता है? तुझे तो अब गुस्सा आ रहा है। मेरे अंदर 10 सालों से गुस्सा है, अब ये कुछ नहीं कर सकते। सही वक्त का इंतजार करो, फिर हम बदला लेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। Why are you shouting? मर गए। डैड, डैड, डैड का फोन, बचा ले ऊपर वाले, मर गया मैं तो। जी पिताजी। तू कल आ रहा है ना? जी हाँ आ रहा हूँ ना। हर रोज मंदिर जाता है ना? जी दिन में 2 बार जाता हूँ। माथे पर टीका लगाता है ना? हाँ, इतना बड़ा लगाता हूँ कि सिर छिप जाता है। शास्त्रीय संगीत सीख रहा है ना? हाँ, मैं तो खाते पीते उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचता हूँ। कल अपने साथ अपने शास्त्रीय संगीत के गुरु को भी लेते आना। हाँ ले आऊंगा। शास्त्रीय संगीत गुरु को क्यों लाना है? रियाज करने के लिए, यहाँ कोई वैसा गुरु नहीं है ना। अच्छा ये बात है, मतलब गुरु को लाना ही पड़ेगा। क्यों, कोई परेशानी है? नहीं परेशानी कैसी, पैसा फेंको और परेशानी खोल। पैसों से
मेरा मतलब ट्रेन बस के टिकट एयर के टिकट के लिए पैसा चाहिए ना। कल जल्दी आ जाना। जी आ जाऊंगा। फोन रखता हूँ। कल आ रहा है ना। मर गया। डैड ने बुलाया, वो भी शास्त्रीय संगीत गुरु के साथ। शास्त्रीय संगीत मतलब? मेरे डैड ने मुझे यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखने और पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मैं यहाँ कुछ और ही सीख रहा हूँ। फंस गया ना तो तुम पकड़े जाओगे। हाँ क्या करूँ, अब पकड़ा ही जाऊंगा। नहीं पकड़ा जाऊंगा, तुम मेरी शास्त्रीय संगीत टीचर। क्या मैं? या म्यूजिक के बारे में मुझे क्या पता? तुम मुझे कौन सा पता है? अगर तुम्हारे पापा ने पकड़ लिया तो? उन्हें कौन सा म्यूजिक आता है? प्लीज दीपाली, तुम्हें कौन सा वहाँ गाना गाना है या मुझे सिखाना है? तुम्हें लगता है कि वो मुझे म्यूजिक टीचर समझेंगे? मुझे देख कैसा लगता है कि मुझे म्यूजिक आता है? अरे सिर्फ वो लुई तो बनाना है। मैं म्यूजिक टीचर लगूंगी? हाँ, म्यूजिक टीचर को थोड़ा बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सेक्सी हो। तुम्हारा उलिया थोड़ा बदल जाए तो अपना काम हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है ऋषि। डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना। तुम खुद भी डरे हुए हो। प्लीज मेरी मदद कर दो ना, मुझे बचा लो ना प्लीज। एक बार वो खुश हो जाए फिर हम उन्हें अपने बारे में सब सच बता देंगे। मान जाओ ना प्लीज, मान जाओ ना प्लीज दीपू, मान जाओ प्लीज। ठीक है चलो। हमारी एक्टिंग अब शुरू होती है। अरे यार मैंने तो सोचा मालिक का लड़का मॉडर्न होगा, ये तो चंपू निकला। शहर में नारियल का तेल सस्ता होगा इसलिए ज्यादा लगा लिया। ये क्या पिताजी? कहाँ बाप कहाँ बेटा, बालों से तो अम्मा लेकिन बॉडी से छम्मा छम्मा लगती है। ठरकी कहीं के। पाय लागू पिताजी। वाह वाह, उठ बेटा उठ। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है तू। मैं वैसा नहीं हूँ बाबू। मम्मी। राजा बेटा। प्यारी मम्मी। तू आज भी वैसा ही मासूम है जैसा पैदा होते वक्त था। तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला बेटा। मैं कभी बदलूंगा भी नहीं मम्मी। मम्मी संस्कारी है। चाचा जी। पाए लगू चाचा जी, पाए। उठ बेटा बेटा। भैया आज इसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी ये मेरी संगीत की टीचर। आप गुरु हैं, गुरु किसी के पैर नहीं छूते। पिताजी मैं समझाता हूँ। ए बढ़िया टीचर, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। खड़े क्या हो, हाथ दो। यस टीचर। कमर दर्द। बूढ़ी है ना इसलिए कमर दर्द हो रहा है। पिताजी ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा, तू अपनी माँ के पास बैठ। जी पिताजी। गुरुजी बोलिए। बचपन में जब हमारा बेटा कविताओं का पाठ करता था तभी मुझे पता चल गया था कि एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। हम चाहते थे कोई इसके गाने पर नाच के ताल मिलाए, इसलिए हमने एक बड़ा डांस टीचर ढूंढ निकाला। बड़ा ही कमाल का नृत्य करता है वो। राजू बुलाओ से। जी मालिक। मास्टर जी अंदर आइए। नमस्ते। मेरा नाम कमल हासन शिवशंकर। अगर आप गाते रहे और मेरे कदम रुक गए तो आप जीते। अगर मेरे कदम नाचते रहे और आपका गाना रुक गया तो मैं जीता। तो बताओ मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मेरा बेटा। ये लड़का। उत्तर दिशा कहाँ है? इस तरफ। अरे वाह, नाक है कि तोते की चोंच। ऐसे खिलौने बहुत देखे, दूर हट। स्वामी सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि कुछ पैसे कमा लूं। खाने के लाले पड़ रहे हैं स्वामी।
अब मैं नाचने वाला हूँ, देखता क्या है बजाना हीरो। वाह क्या बजाया है, मैं तैयार हूँ। बेटा जाकर उन्हें बताओ तुम क्या गाने वाले हो ताकि वो नृत्य की तैयारी कर सकें। तू कौन से डांस जानता है? मुझे तो हर तरह का डांस आता है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओमपुरी, शिवपुरी, पानीपुरी। पानीपुरी लेटेस्ट डांस, इंपोर्टेड फ्रॉम मुंबई। ये सब सीखे हैं, नाम पढ़ के आया। खामोश, ऐसा फिर मत करना, मेरी हट गई तो सबकी फट जाएगी। बताओ तुम क्या गा सकते हो? ये क्या बातें कर रहे हैं? जब दो बड़े कलाकार पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हैं। ये पूछो क्या नहीं आता, शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, बंगाली संगीत, मलयाली संगीत, मेरे पास सारी सीडीज हैं। ओहो क्या सीडी? हाँ मेरा मतलब मेरे गानों की सीडीज। तुम्हारा गुरु कौन है? आजा नचले की माधुरी दीक्षित, नाच पिक्चर की अंतरा माली, और हाँ सरोज खान, ये सारे मेरे गुरु हैं। रेडी हो? ओहो ये तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसको डरा कर भगाना पड़ेगा। नाचते हुए किसी को गोली खा के मरते हुए देखा है? मुझे लगता है ये मुझे डराना चाहता है। गाते हुए किसी को हार्ट अटैक से मरते देखा है? रेडी। इससे हार गया तो बची कुची इज्जत का कचरा हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे इन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे तो मैं पक्का हारने वाला हूँ। अपनी इज्जत का भाजी पाला करने से तो अच्छा है कि मैं डैड को सब सच ही बता दूं। पिताजी, पिताजी, लगता है इसे डांस वांस आता नहीं है, कहीं ये फेंक तो नहीं रहा। सोचता हूँ कि इसे साइड में बुला के सेटिंग कर लूं। ये क्या कुसुर पुसुर हो रही है? कुछ नहीं पिताजी, अब बस एक आखिरी बार डिस्कशन करना चाहते हैं। हाँ, भाई इधर आओ ना। मास्टर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है हीरो राजन। आप बड़े हैं, प्लीज आप बताइए ना पहले। मुझे डांस करना नहीं आता। तुम्हें डांस करना नहीं आता? पकड़ा गया। पर सब लोग तो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे डांसर हो। वो क्या है, पहले पहले चिल्लर पैसे कमाने के लिए मैं शादी की बारातों में नाचता था। ऐसी एक बारात में एक टल्ली को लगा कि मुझे बहुत अच्छा डांस आता है, तो उसने अपने डांस एकेडमी का एक सर्टिफिकेट दे दिया और सरोज खान ने ये माला पहनने के लिए दे दी। मुझे तो डांस नहीं आता, लेकिन तुम्हें भी गाना नहीं आता है ना? गलत। क्यों? अब क्योंकि तुम्हें डांस नहीं आता तो मुझे तो बहुत अच्छा गाना आता है। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ गोली मारेंगे और यहाँ से निकलेंगे। नमस्ते सेठ जी, किसी तरह मेरी जान बचा लो, मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। ठीक है, मैं गाऊंगा और तुम ऐसा दिखाना कि तुम मेरे गाने के आगे टिक नहीं पा रहे। ओके डन, शुरू करें। आजा करो ना। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। हाँ तो शुरू करो। सब क्या जोकर गिरी है? अरे वाह गुरु, तुम क्या कमाल का गाते हो। तारीफ मेरी नहीं, उन सीडीज की करो जिन पे सारे गाने बज रहे थे। सीडी यानी तुम सिर्फ होठ हिला रहे थे और बॉयज ये बात बोलता है, इसे उठा के बाहर फेंक दो। सेठ जी को पता चला तो? पता तो तब चलेगा ना जब तुम यहाँ रहोगे। वाह 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 बेटा, वाह वाह बहुत बढ़िया। बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया।
नमस्ते भाई, बैठो। भाई पिछली बार आपकी वजह से मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिल गई थी, इस बार भी आप साथ दे तो मुझे टिकट मिल जाएगी भाई। उमा। आई साहब। तुम्हारी बस्ती में पानी आता है कि नहीं? हफ्ते में एक ही बार आता है साहब। वेंकट। जी मालिक। तुम्हारे इलाके की सड़कें कैसी हैं? सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं। सुन लिया ना सिराज, लोग तुम्हें वोट देते हैं ताकि तुम उनकी जिंदगी बेहतर बनाओ, अपनी नहीं। अगर तुम अपना काम ठीक से करते तो लोग तुम्हें खुद वोट देते। तुम्हें यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सेवा किए बिना मेवा खाने की सोच रहे हो। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो सिराज। बात समझ में आ गई? अब जाओ। भाई भाई मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। भाई भाई सिर्फ 5 मिनट के लिए। मना मत करना प्लीज, मना मत करना, उससे एक पल भी ज्यादा नहीं लूंगा भाई, प्लीज। भाई भाई सिर्फ आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, मेरे प्राण आपके चरणों में। अगर मेरी पावर चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं सारी आपको दे दूंगा भाई। भाई आपने साथ दिया तो मेरी जीत पक्की भाई। और मत मारना, और मत मारना भाई, भाई प्लीज, प्लीज। मैं कब का तेरा खून कर चुका होता, लेकिन मेरे जैसा रिबल कभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकता। किसी से कहना मत कि मैंने तुझे मारा। लोग तुझे बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे और तेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आजा, मुस्कुरा भाई, वरना बाहर बेकार में लोग शक करेंगे। ओवर एक्टिंग नहीं। अब मैं नहीं जीतूंगा, जब तक वो जिंदा है मैं नहीं जीतने वाला। ए जनार्दन, कुछ भी करो और उसे मार डालो। भाई, भाई ये क्या हुआ आपको? हाँ? उस बुड्ढे ने मुझे अपने कमरे में ले जाके किस किया, किस कहा? चीर डालो उस जनार्दन को, उसका नामो निशान मिटा दो। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू जैसा सांड एक बुड्ढे को नहीं मार सकता, लानत है तेरे पे। भाई मैं तो क्या अपना, कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकता। तो जा यूपी बिहार से लोगों को यहाँ बुला ले। कल काली माता के मंदिर में जनार्दन ने सबको खाने पे बुलाया है। अपने आदमियों से कहना कि सब औरतों के भेष में आए और साले का काम तमाम कर दे, कल वो बचना नहीं चाहिए, उसे मरना होगा। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते भैया। ये देवी कितनी डेंजर लग रही है ना। काली माता ऐसे ही दिखती है। हाँ पुजारी जी, पूजा शुरू कीजिए। पिताजी की मदद करो ना। उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो यहां से। खून निकल रहा है तेरा। जानता हूं आप पीछे हटिए डैड। ऋषि तू मुझे पीछे हटने को कह रहा है? आप पीछे हटिए डैड। माँ बाप भाई बहन बच्चे बूढ़े गांव के जितने लोग हमारे साथ हैं, मेरे पीछे आके खड़े हो जाएं। और वो लोग जो आज यहाँ मेरे पिताजी को मारने के इरादे से आए हैं, सिर्फ वो मेरे सामने आ जाएं। आ!
मैं जानता था मालिक, आप पाप मिटाने के लिए जन्मे हैं। काट डालिए। हे, इस साले को छोड़ना बस। पिताजी को मारेगा। इतना बड़ा धोखा आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया, पहली बार, वो भी मेरे अपने बेटे ने। तू तो बिल्कुल वैसा निकला जैसा मैं नहीं चाहता था। ये खून खराबा क्यों? तू अब इस घर में नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। निकल जा, निकल जा। नहीं मालिक। मालिक, आज से पहले मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज जरूर कहूंगा। ऋषि ने कुछ गलत नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो राजू? मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता? हमारे ऋषि को, जिसने अकेले 100 लोगों को धूल चटाकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी, उसे कुछ हो जाता? आज अगर छोटे मालिक हमारे साथ नहीं होते तो आप भी नहीं होते। पहली बार मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि आपका खून इतना बुझते है। जिसे मैंने उस दिन देखा था वो आपका बेटा नहीं था, लेकिन आज, आज उन लोगों को चुन चुन कर मार कर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये आपका ही खून है। आपके बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, शेर दिल वाला, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। मालिक, शेर के घर शेर ही पैदा होता है। अगर ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ भैया, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग चाहे जो कुछ भी कहो, मैं एक गुंडे को अपने बेटे के रूप में नहीं देख सकता। मैं उसे हरगिज भी नहीं अपना सकता। मैं जानता हूं लोगों की मदद करते करते हमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि ना जाने किस पल हम लोगों के साथ क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। आपको किस बात का डर है मालिक? अच्छे काम करने वालों को डर नहीं लगता है। बुराई का अंत होना ही चाहिए, और उसे पूरा करेगा इस कुर्सी पर बैठकर आपका बेटा। आप क्यों राजो? मालिक, पिताजी, मैं आपको देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं, फिर मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूं? पिताजी माफ कीजिए, पिताजी मैं अब तक आपसे झूठ बोलता आया। आप जैसा चाहते थे मैं वैसा नहीं बन पाया हूं, लेकिन मैं अपने डैड जैसा हूं। मां, दीपाली
इसका नाम दीपाली है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने कहा था ना, अमीरों को गरीब की लड़की घर लानी चाहिए और परिवार वालों को अनाथों को अपनाना चाहिए। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अनाथ है। किसने कहा कि हमारी बेटी अनाथ है? हम सब हैं ना इसकी। आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? ए! तुम्हें जमीन की जरूरत है और मुझे पैसों की जरूरत। वक्त बर्बाद मत करो, कौन सी जमीन चाहिए बोलो। आपकी पुणे की जमीन और पेपर्स। हाँ, ये लो और जाओ। सिराज भाई, पैसे रखो और जमीन के पेपर्स ले लो। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं भाई? इस घर के। आप अपना घर बेच रहे हैं, फिर आप कहाँ रहेंगे? तुझसे शादी करके नया घर बसाऊंगा। पैसे का बैग रख और निकल। मुझे जमीन जायदाद सत्ता नाम नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसकी मौत चाहिए। उसकी लाश दिखने के बाद मैं चैन से मर जाऊंगा। जनार्दन का कोई बाहर वाला, यूपी वाला या बिहार वाला नहीं मार सकता है, उसका कोई अपना ही मार सकता है उसे। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मैं जानता हूं उसने तुम्हारे बेटे को कुत्ते की तरह मारा है। अपने बदले की आग बुझा लो। मैं जानता हूं अपने भाई की कुर्सी के असली हकदार तुम ही हो। मैं जैसा कहता हूं वैसे करते जाओ, ये मेरा आदमी उसका खून कर देगा। इसका नाम है स्टीफन, ये मुंबई का है। शुरुआत में छोटे मोटे खून करता था, अब टॉप का सुपारी किलर है ये। कुछ दिनों पहले 20 लोगों का मर्डर हुआ था मुंबई में, इसने ही सुपारी ली थी। जनार्दन को आज तक कोई हथियार या इंसान मार नहीं पाया है, पर इस बार उसकी मौत एकदम पक्की है। भैया बैठो बैठो बैठो, ये शर्मा जी हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। ये यहाँ के बड़े पुजारी हैं, बड़े मंदिर को संभालते हैं। ऋषि की शादी होने वाली है, दोनों की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। इनका कहना है कि हमें एक बड़ी पूजा रखवानी पड़ेगी ताकि ये दोनों अपनी जिंदगी में खुश रह सके। आप कहें तो इनकी कुंडली किसी और पंडित को भी दिखा देते। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने दिखा दी, बस मेरे लिए काफी है। बताइए पुजारी जी, कब और कैसी पूजा करनी है? सेठ जी, कल गुरु पूर्णिमा है, वर को दो अलग जगहों पर पूजा करनी होगी, एक तो भगवान शिव और दूसरे भगवान नरसिम्हा के मंदिर में जाकर। मुहूर्त सुबह 9 बजे का है, आपको जल्दी निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बार में दो अलग अलग जगहों पर पूजा कैसे कर सकता है? उसमें क्या हुआ, ऋषि को कल नरसिम्हा के मंदिर जाने दो, हम दोनों शिव जी के मंदिर जाएंगे। हम शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम ऋषि को नरसिम्हा के मंदिर ले जाओ, याद रहे मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। मालिक मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं भैया के साथ जाऊंगा, तुम ऋषि को ले जाओ, ठीक है ना भैया? करेक्ट, मेरा छोटा भाई हमारा ख्याल रखेगा और तुम ऋषि का ख्याल रखना। अरे हाँ, दीपाली कहाँ है? आ रही है। दीपाली जल्दी करो बेटा। आई माँ। तुम ऋषि के साथ जाओ। चलो। हमारे साथ आना चाहती हो? उनके साथ जाना है? मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। जाओ। नमस्कार। नमस्कार। पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? जी हाँ, हो चुकी है, आप आइए। पापा, हो गया आपका काम साला पुट्ठा।
राजू मुझे वो चाहिए। उन्होंने सबको मार दिया, मुझे वो चाहिए राजू। उसके बाद ऋषि के चाचा कहीं गायब हो गए। फिर हमें पता चला कि मुंबई में कोई स्टीफन रॉबर्ट अपने गैर कानूनी धंधे चला रहा है, इसीलिए हम यहां आए हैं। ऋषि तुम्हारे पीछे बैंकॉक इसलिए गया कि हमें तुम्हारे बाप के जरिए स्टीफन रॉबर्ट की तस्वीर मिल सके। हम नहीं चाहते किसी और परिवार के साथ ऐसा अत्याचार दोबारा हो, इसीलिए ऋषि ने यह तय कर लिया है कि जब तक वो इस गैंग के लोगों को जान से नहीं मार देता वो चैन से नहीं बैठेगा। अब सिर्फ 3 लोग बाकी हैं, स्टीफन रॉबर्ट और तुम्हारा बाप। अगर तुम्हारा बाप हमें स्टीफन रॉबर्ट के बारे में बता दे तो हम उसे बख्श देंगे, वरना तुम्हारे बाप को भी मरना पड़ेगा कुत्ते की मौत। सॉरी। आई एम सॉरी नंदिनी, उन लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। बैठो बैठो। क्या उल्लू बनाया मुझे। खा लो, खाओ, थोड़ी सेहत बन जाएगी, खा लो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का एक लड़की से एक अनजान देश में आई लव यू कहता है और लड़की भी उसे चाहने लगती है। उसके बाद लड़का कहता है सॉरी मैं किसी और से प्यार करता था। क्या मस्त कहानी है ना, मैं और मेरी फूटी किस्मत। ऋषि हेलो, ऊपर देखो। तुमने कहा कि तुम्हारा प्यार नाटक था, ओके मान लिया, लेकिन अगर एक्टिंग इतनी जबरदस्त है तो असली में तुम्हारा प्यार कितना सुपर्ब होगा, है ना? सर, रिबेल नाम का एक लड़का हमारे आदमियों को एक एक करके मार रहा है। सुना है कि उसका अगला टारगेट आप हैं। हमें उस लड़के को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। सर, मुझे लगता है कि हालात बिगड़ने से पहले हमें स्टीफन रॉबर्ट को बता देना चाहिए। ए, उस साले से तो मैं अकेले ही निपट लूंगा। किधर रहता है वो? हेलो रेबल। ए, तुझे लगा हमारे कुछ आदमियों को मारकर तू स्टीफन रॉबर्ट को भी मार सकता है तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। स्टीफन रॉबर्ट तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। स्टीफन रॉबर्ट आखिर है कौन, इस बात का तुझे अंदाजा नहीं है? तू इस बात का अंदाजा लगा कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा? स्टीफन रॉबर्ट कहां है प्यार से बता दे, वरना तू किडनैप हो जाएगा। क्या कहा? नानू को? नानू को किडनैप करेगा तू? हां, और वो भी मुझे पहले से बताकर। मेरी आदत है पहले खबर देने की। ए, यस सर। इस शहर में अपने जितने भी आदमी कल 10 बजे यहां होने चाहिए। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझे अपने ही घर से किडनैप करने की धमकी दी है, मुझे नानू को धमकी दी। ए, लगता है अपने चैलेंज को भूल गया है तू। किधर है तू? हाँ, किधर है तू? किडनैप तो दूर, तू मुझ तक पहुंच भी नहीं सकता। पहुंचूंगा। नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचूंगा। किडनैप।
मेरा वक्त बर्बाद मत कर, स्टीफन रॉबर्ट कहाँ है? नहीं बताऊंगा। राजू मालिक, लगता है इस आलीशान घर के एसी कमरे में ही अपना मुंह नहीं खोलने वाला। शिफ्ट! स्टीफन रॉबर्ट, काफी अच्छे नाम है। सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से हाथ आ जाओगे। ऋषि, सॉरी ऋषि, मैंने जो किया मैं उसकी तुमसे माफी मांगूंगा। तुम्हें लगा मैं ऐसा कहूंगा? स्टीफन और रॉबर्ट को पकड़ना चाहता था ना, मारना चाहता था ना? स्टीफन रॉबर्ट को पकड़ना चाहता है, दिमाग ठिकाने तो है? यू फूल, हम दोनों स्टीफन रॉबर्ट नहीं है। कोई होशियारी नहीं, स्टीफन रॉबर्ट का फोन है, फोन उठा। ऋषि कैसे हो भतीजे, कितने सालों बाद बात हो रही है। पहचाना, हम हैं स्टीफन रॉबर्ट। रॉबर्ट यानी तेरा चाचा। तुझे क्या लगा था हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आदमियों को पकड़ने से तू अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा? स्टीफन रॉबर्ट्स, तू हमें छू तक नहीं सकता, पकड़ना तो दूर की बात है। जानता है क्यों? क्योंकि तेरी माशूका और खास आदमी हमारे पास है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हम तुझे किडनैप करके तेरे घर ले जाएंगे, वही उसी जगह जहाँ तेरे माँ बाप रहते थे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से मारा था, कुत्ते की मौत। चल अब आजा, बैठ के बात करते हैं। गो बैक। हमें ढूंढते हुए तुझे 2 साल लग गए ना, हमें मारने के लिए तुझे ना जाने कितने साल लग जाएंगे। हमें मारना नामुमकिन है। इस जन्म में तो स्टीफन रॉबर्ट्स को कोई नहीं मार सकता। क्यों? कोई छू तक नहीं सकता। मुझे कहते हैं असली मर्द। तू मर्द है,
तो जैसा दो कौड़ी का आदमी क्या जाने कि असली मर्द क्या होता है, वो माँ की कोख से पैदा होता है, बनता नहीं। मेरे अकेले के डर से तूने अपने आसपास इतने लोगों का पहरा लगा रखा है और खुद को मर्द कहता है। तूने उन लोगों को धोखा देके मारा जो तेरे अपने थे, जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया, और तू साले अपने आप को मर्द कहता है। अपने चमचों को हटा, हथियार फेंक और मेरे साथ दो दो हाथ कर, फिर देखते हैं कौन मर्द है। आज फैसला हो ही जाए। तुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त देता हूँ। अपने कुत्तों को बोल कि 5 मिनट में मुझे मार के दिखा दे। मैं उन 5 मिनट में एक बार भी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। खत्म कर दे मुझे। लेकिन उसके बाद 5 मिनट के खत्म होते ही तेरे सारे आदमियों को मैं एक एक करके तेरी आंखों के सामने मारूंगा। मुझे कसम है अपने पापा की, तेरे बेटे को ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। अब समझे असली मर्द क्या होता है? है कोई मर्द यहाँ? कूल बेबी कूल, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आई लाइक दिस गेम। Hey, किसी का मर्डर किए मुझे एक जमाना हो गया। इंसान हो या फिर हथियार, काम तभी करते हैं जब तक उनमें जंग ना लगे। We are ready। तुझे मारने के लिए मुझ जैसे मर्द की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही काफी है। Girls, go and get him। ये छोकरियां रेबल का कुछ नहीं उखाड़ सकती। स्टीफन, टाइम वेस्ट मत कर, कुत्तों को भेज। Rishi! Well done. Yeah. तुम्हारे पास अभी 1 मिनट का वक्त है, मार दो मुझे वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। Boys and girls, relax. Our 5 minutes finish. Now it's rebel time. Baby, अपने आशिक से कहो गेम आगे बढ़ा है। Rebel time starts. Ah!
उसका एक पंच और कोई नहीं टिक पाएगा। ओए, वक्त है, भाग जा वरना तू भी इसकी तरह मारा जाएगा। से मैं नंदनी नहीं, तुम्हारी दीपाली हूं।